नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर पन्ना जिले से है। एसपी के निर्देशन पर वैध शराब के लिए लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें अमानगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 1,85,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को देखकर सफेद रंग की बुलेरो अचानक ही गाड़ी घुमाकर वापस ले जाने लगी, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। चालक अंधेरा होने का फायदा उठाकर भाग गया तथा गाड़ी के अंदर गोवा अंग्रेजी कंपनी की 37 पेटियां 333 लीटर, जिसकी कीमत 1,85,000 रुपए बताई जा रही है। दिनांक 5/10/19 को थाना अमानगंज में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि अवैध तरफ से कोई शराब की खेप आ रही है। उन्होंने अपने बल के साथ घेराबंदी करके देवीपुरा दगधा रोड पे मोड़ पे गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ा, जिसमें से लगभग 333 लीटर 1,85,000 रुपए की कीमत की शराब पकड़ी गई है। ड्राइवर उसका भागने में सफल हो गया अंधेरे का फायदा लेकर। एक आदमी उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शिवाजी और छोटे पिता देवेंद्र सिंह परमार है, जो गड़ोघर का रहने वाला है। तो जो ड्राइवर का नाम पता लगा है वो देवीपुरा का रहने वाला भूपेंद्र सिंह है, और इसमें थाना अमानगंज द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई। उसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम देने की कितना इनाम लगभग 10,000 रुपये के ऐसा बताया गया है। आरोपी को न्यायालय पेश किया? हाँ, निश्चित किया गया, दूसरे को पकड़ के जल्दी किया जाएगा। आरोपी द्वारा मीडिया को बताया गया 40 पेटियां वैसे ये जितनी जब्त हुई वो हुआ है उसकी गवाह का होते हैं। 40 और 37 में ज्यादा फर्क नहीं है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।